भाई मैं जानता हूँ ये आने का वक्त नहीं है, पर तुमने इस घर में आने से पहले घड़ी देखना कब से शुरू कर दिया? तुमने पहले कभी ऐसा नहीं किया? पहले जैसा कुछ है ही कहा। सही कहा तुमने, इस घर की दीवारों ने अपने रंग नहीं बदले, पर इस घर के रिश्ते ने अपने रंग जरूर बदले। मैं जो बताने आया हूं वो सुन के आज के रंग कुछ और बेरंग हो जाएंगे। तुम्हारा चेहरा देखकर मैं समझ गया था कि कुछ तो प्रॉब्लम है। आओ आओ राज, बैठो। बोलो, खामोश क्यों? भाई अगर खबर अच्छी होती तो कब का बता चुका होता। तो बुरी खबर है राहुल को लेकर। जिस खुशखबरी को आपने पिछले दिनों सेलिब्रेट किया था वो खबर झूठी है। राहुल के इलाज के बारे में कुछ है? नहीं, पर राहुल के इलाज पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। बुरी खबर की आदत सी पड़ गई है। बोलो। प्रियंका प्रेग्नेंट नहीं है। यानी प्रियंका ने हमसे झूठ बोला? उसने झूठ बोला क्योंकि भाई उसे झूठ बोलना पड़ा। पिछले दिनों उसकी तबीयत खराब हो गई थी, घर वालों को गलत फहमी होगी कि वो प्रेग्नेंट है, पर ये गलत फहमी राहुल के लिए दवा साबित हुई। पर कैसे? वो राहुल जो ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता था वो ये खबर सुनने के बाद खुद ब खुद मेरे पास आया ट्रीटमेंट के लिए। प्रियंका इस झूठ के दलदल में फंसती चली गई ताकि राहुल अपना ट्रीटमेंट कराए और जल्दी ठीक हो जाए। प्रियंका ये जानती है कि झूठ ज्यादा लंबा नहीं चलता। वही तो भाई, हॉस्पिटल में किसी को इस झूठ के बारे में पता चल गया, अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि वो मेरा मेडिकल प्रैक्टिस का लाइसेंस रद्द करवा देगा। पर ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है भाई, क्योंकि प्रियंका के इस झूठ को सच साबित करने के लिए मैंने कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे जो मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है। हो सकता है कि मैं अपनी जॉब से हाथों बैठूं। खैर, मेरी जॉब का जो होगा वो देखा जाएगा, पर प्रियंका के इस झूठ का क्या होगा मैं नहीं जानता। प्रियंका को सच बताना होगा और वो जिम्मेदारी मेरी, मैं उससे बात करूंगा। ये जरूरी है भाई, आपको उससे बात करना जरूरी है। एनीवेज मैं चलता हूं। थैंक यू, बाय। क्या अजीब लड़का, प्रियंका के झूठ के लिए अपना पूरा मेडिकल करियर दांव पे लगा रहा है। कमाल का आदमी। तुम तो उससे भी ज्यादा महान हो कुणाल। तुमसे बात क्या हो गई? जिंदगी थोड़ी आसान हो गई, यही मैसेज भेजा था ना तुमने अनुष्का को आज? मेरे सेल फोन में तुमने मैसेज पढ़ा? कुणाल, तुमने भी तो अपनी सारी जिंदगी झोंक दी उस औरत के लिए जिससे तुम शादी से पहले प्यार करते थे। तो फिर राज को क्यों कोस रहे हो? राज अपना पूरा मेडिकल करियर उस प्रियंका के लिए दांव पर लगा रहा है जिसे वो आज से नहीं बल्कि प्रियंका की शादी के पहले से बहुत प्यार करता है। बस हुआ राहुल, स्टॉप इट नाउ। अरे आई एम सीरियस, जरा सोचो अगर आज ही के दिन एक साल पहले मैं वक्त पे नहीं पहुंचता तो आज तुम मिसेज संजय विज होती। हाँ बाबा हाँ, बहुत बड़ा एहसान किया तुमने मुझ पर, और वो भी किस स्टाइल और ड्रामे के साथ। मेरी बारात कोई और लेकर आ रहा था और शादी वो तो हम आपसे कर बैठे। अरे वो कम्बक तो सिर्फ किराए की बारात लेकर आ रहा था, लेकिन हम तो अपनी तकदीर अपने साथ लेकर आ रहे थे, अपने दिल में आपके लिए बेशुमार मोहब्बत लेकर आ रहे थे। वैसे पिया, यू आर राइट, मैंने वाकई तुम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचता ना तो तुम्हारी शादी उस लंगूर से हो जाती। तो आज एक साल बाद आप हमें एक साल पुराने एहसान याद दिला रहे हैं। वो क्या है ना कि आज पूरे एक साल का हिसाब किताब क्लियर करना है। तुम्हारे इरादे मुझे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं। हाँ। तुम भी कमाल करती हो, अपनी शादी की पहली सालगिरह पर एक आदमी अपनी बीवी के साथ अकेले किसी रोमांटिक जगह में जा रहा है और तुम चाहती हो उसके दिमाग में नेक ख्याल हो। हाउ इज इट पॉसिबल? वैसे ऐसा दो ही सूरतों में हो सकता है, या तो उसकी बीवी हमारी बीवी की तरह खूबसूरत ना हो, या तो खुद आदमी डफर है। अब तुम क्या चाहती हो कि इस रोमांटिक जगह पे जाते हुए
किसी मंदिर में रुक के घंटी बजा के वापस आ जाऊं क्या? वैसे अगर तुम कहो तो मैं ड्राइवर से कह दूं, कोई मंदिर दिखे तो वहां रोक दे गाड़ी। ठीक है, इसे कहो कहीं रुक जाए, और इसे ये भी कह दो कि मंदिर में खुद जाके आरती उतार ले, क्योंकि मुझे तो अपनी बीवी की आरती उतारनी है। राहुल, प्रियंका, राहुल। अरे राज। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आओ बैठो। नहीं आंटी, मैं जरा जल्दी में हूँ, आप प्रियंका को बुला दीजिए। तुम शायद भूल गए, आज राहुल और प्रियंका की वेडिंग एनिवर्सरी है। ओह। और वो एक दिन के लिए बाहर गए हैं। अच्छा। अगर तुम उन्हें फोन करने की कोशिश कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि आज उनका अपने साथ फोन ले जाना अलाउड नहीं था, वो फोन घर पर ही छोड़ कर गए हैं। और रोमांटिक आंटी, वो जहाँ भी हैं उन्हें 2 मिनट के लिए तो मैं डिस्टर्ब करूंगा। फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है, विश करना तो बनता है। राज बेटा, वैसे मुझे इजाजत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताती हूँ। वाई की पहाड़ी पर लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एक गेस्ट हाउस है, कॉटेज टाइप का, वो दोनों वही है। आंटी इतना हिंट काफी है, आगे मैं ढूंढ लूंगा। अब आंटी, वो कल रात को वर्षा अपने साथ एक फाइल लेके आई थी, वो फाइल हमें मिल नहीं रही, मेरा ख्याल यहीं के रहेगी। फाइल तो बेटा मैंने यहाँ नहीं देखी। आंटी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जरा यहाँ वहाँ देख लूँ। हाँ बेटा, प्लीज गो अहेड। इस फाइल का यहाँ से गायब होना, कल रात उस लेटर का आना, कुछ सीरियस होने वाला है। राज, उस फाइल में ऐसा क्या है जो तुम इतने परेशान हो रहे हो? नहीं आंटी, परेशान तो हूँ पर इतना ज्यादा भी नहीं। प्रिया से मिलकर इस परेशानी को खत्म कर दिया जाए, एक सिरे से इस झूठ का खत्म होना जरूरी है। राज, चाय या कॉफी पियोगे? नहीं आंटी, मैं चलता हूँ। सीक्रेट याद रखना। जी। वर्षा, हाउ आर यू? रात भर सोई नहीं। कल की रात सोने वाली थी ही कहाँ, मतलब मैं रीअश्योर यू, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो फाइल मिली, प्रियंका को समझाया कि इस झूठ का आज खत्म होना बहुत जरूरी है। प्रियंका घर में नहीं है, पर आज मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। दुख की बात तो यह है कि आज प्रियंका की और राहुल की पहली वेडिंग एनिवर्सरी है, और आज इस झूठ का खत्म होना भी जरूरी है। पर आई एम सॉरी राज, मेरे लिए ये भी बहुत जरूरी था। क्या? मैंने तुम्हारे नाम का लेटर ड्राफ्ट किया है कि तुमने मुझसे जबरदस्ती मिसेस प्रियंका लांबा के केस में कुछ ऐसी कार्रवाई कराई जो मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है, और जो मैं नहीं चाहती थी। एक्चुअली राज, साइन क्या करना? यहाँ। राज आई एम सॉरी, मुझे मालूम है कि ये लेटर तुम्हारा मेडिकल करियर खत्म। तुम्हें बचा लिया ना, खुद को भी बचा लूंगा। फिलहाल हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस हॉस्पिटल में कौन है जो हमें ब्लैकमेल कर रहा है, और वो फाइल है कहाँ। डॉक्टर से ऋषभ लांबा का 3 बार फोन आ चुका है, फिर फोन किया है, अभी फोन होल्ड पे है। उन्हें आज अनुष्का लांबा के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। उनको बोल दो कि मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ, कहीं बाहर गई हूँ। ओके मैम। मैं लांबास के साथ डील ही नहीं करना चाहती। जो आप तैयार हैं, जीजू डॉक्टर वर्षा सेठ से आपके लिए आज की अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हैं। अच्छा, अपने जीजू से जाकर कह दो कि तुम्हारी दीदी को फोन करना और डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना दोनों आता है, उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दीदी आप हर बात का इशू क्यों बनाती हैं? निकी तुम भी कोशिश करो कि अपनी दीदी की बहन ज्यादा और अपने जीजू की साली कम बनकर इस घर में रहो। अगर मैं ये जिद कर रही हूँ तो ना आपके लिए
और ना जीजू के लिए। मैं ये जिद कर रही हूँ होने वाले उस बच्चे के लिए। थैंक यू फॉर योर कंसर्न निकी, पर इस होने वाले बच्चे की माँ मैं हूँ। मुझे जब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद अपॉइंटमेंट लेकर तुम्हें साथ लेकर जरूर जाऊंगी। तुम अपने जीजू से जाकर कह दो कि उन्हें तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस होने वाले बच्चे के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं होगा। दीदी कम ऑन, आप इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हैं? रिश्ता पहले से ही बिगड़ा हुआ है, उसे और बिगाड़ने पर क्यों तुली हुई हैं? दीदी जीजू अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, अगर आप तैयार हैं तो। मैं कहीं और जाने की तैयारी में हूँ निखी, मुझे किसी और इम्पोर्टेंट काम से जाना है। जीजू कह रहे थे कि तुम्हें अपने जीजू के मैसेंजर बनने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी अगर इस बच्चे को कुछ हो गया ना तो वो सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से होगा। तुम्हारे जीजू ने अब दो मुंह से मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है, एक अपने मुंह से और दूसरे तुम्हारे मुंह से। वरना जिंदगी भर मैंने तुम्हारे मुंह से अपने खिलाफ कुछ नहीं सुना निखी। वो सिर्फ इसलिए दीदी क्योंकि अब आप बदल चुकी हैं। नहीं निखी, अपने जीजू की नहीं, मेरे कमरे के आईने में जाकर अपनी शक्ल देखो, वो बदल गई है। दीदी आप जा कहां रही हैं? तुम्हें कल प्रैक्टिस शुरू की थी ना, बिना किसी को बताए घर से बाहर जाने की। एक्सक्यूज मी, बोलो क्या लोगे? कुछ नहीं लूंगा। क्यों? जो चाहा है कहां मिला? ये आंसू तुम्हारी आंखों में है या मेरी आंखों में? दोनों की आंखों में। ये भी एक दूसरे से मिलने चले आए। बहुत मिस करते हैं ना हम एक दूसरे को। क्यों रोकर मुझे बदनाम कर रही हो? ऐसा लग रहा है कि तुम ऋषभ के साथ बैठी हो, वो भी तुम्हें ऐसे ही रुलाता है ना? कोई ऐरा गहरा आपको इस तरह हंसा या रुला तो नहीं सकता ना। इसका ताल्लुक तो कोई बात अपने से ही हो सकता है। अब ऋषभ का मेरे आंसू या मुस्कुराहट से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। दो पल के लिए मैं तुम्हारा हाथ थाम सकता हूं। तुम आधे पल के लिए भी हाथ थामते हो ना तो खुशियों की लकीरें खिंच जाती हैं हाथों पर। तुम ही तय करो। समझ में नहीं आ रहा कि हम अपने इस रिश्ते का क्या करें। मैं इस रिश्ते का फ्यूचर जानने नहीं आई हूं, बस तुमसे मिलने चली आई। तुम्हारे साथ रहती हूँ ना तो मुझे कोई परवाह नहीं रहती, न बीते हुए कल की और न ही आने वाले कल की। मुझे डर तो बस तब लगता है जब तुमसे दूर रहती हूँ। क्या हम कभी एक दूसरे से दूर हुए? मेरे दिल से दूर तुम कभी नहीं हुए। हाँ आंखों से दूर जरूर हो जाते हो। दिल तो एक बूढ़े बुजुर्ग की तरह सामने खड़ी सच्चाइयों को समझ लेता है, पर आंखें छोटे बच्चे की तरह घबरा जाती हैं जब उसे सामने अपना कोई नहीं दिखता। कुणाल, कुछ दिनों से मुझे एक बात लगातार परेशान किए जा रही है, तुम बताओ मैं क्या करूं? क्या? कुणाल ऋषभ निकी पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा है। उसने निकी को 5.5 लाख रुपए का नेकलेस खरीद के दिया और निकी ने मुझे बताया तक नहीं। भले ही ऋषभ का ताल्लुक तुम्हारे आंसुओं से ना रहा हो, पर बहुत जल्द
वो तुम्हारी आंखों में नए आंसू लाएगा। कैसे? निकी के जरिए। ऋषभ की जात में जानता हूं, कल मैंने उन दोनों को एक साथ मॉल में देखा और जिस तरह से देखा उस साथ में ऋषभ की तरफ से मैल था। कुणाल तो तुम निकी को यहां से फौरन रवाना करो, अगला पल हम तक पहुंच पाए उससे पहले। दीदी तुम्हें अभी इसी वक्त इस घर से निकलना होगा। दीदी और दोबारा पलट कर देखना। दीदी बहुत रॉन्ग हुआ क्या है? बस निकी, इस घर में मेरी मेहमान है और मैं देखता हूं किसकी हिम्मत है उसे घर से बाहर निकालने की। क्या हुआ ऋषभ? आज कोई नहीं बोलेगा बीच में, आज मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा। तुम आराम करो, मैं चेंज करके आती हूँ। राहुल, क्या जा रहे हो? जनाब आप कुछ ज्यादा ही उतावले नहीं हो रहे हैं? एनिवर्सरी तो हर साल आएगी। मैं जानता हूँ मिसेस प्रियंका लांबा के एनिवर्सरी तो हर साल आएगी, लेकिन शायद आप भूल गई कि हमारी आखिरी एनिवर्सरी है जब हम दोनों बिल्कुल अकेले होंगे। भाई अगले साल एक प्यारी सी छोटी सी कुहू हमारे बीच में होगी ना। अरे अब क्या हुआ? एक बात बताओ ना राहुल, तुम्हारे लिए कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कुहू या तुम्हारी पिया? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वेरी डिफिकल्ट। शायद मेरी पिया। एक और बात बता। पूछो। तुम अपनी पिया से कुहू की वजह से कभी नाराज तो नहीं होगे? कभी नहीं। पिया तुम ऐसे बेतुके सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं कुहू को लेकर तुमसे क्यों नाराज होने लगा? एक्चुअली जाने दो ये सब, आज तो हम सिर्फ राहुल और पिया की बातें करेंगे। तुम बातें बहुत करती हो, इतनी दूर से कौन कमबख्त बातें करना है, हम तो जरा। तुम्हारी ये जो साड़ी है ना बहुत ही अनकंफर्टेबल है, सब जगह से चुभती है। जा तो रही थी चेंज करने। हाँ तो जाओ ना। अभी क्या है? की तरफ इस तरह का बर्ताव करने का रिस्क ये तुमने उठा लिया है, बड़ी बहुरानी। ये रिस्क दोबारा मत उठाइएगा। जीजू आज तुम भी बीच में नहीं बोलोगे।